नोएडा में अभी कभी हो रहा है बारिश और कभी इस तरह से निकल रहा है खिला खिला सा धूप। इस वजह से मौसम अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अभी यहाँ पे मैंने लिया है एक और न्यू शू रैक, जो कि एज अ सिटिंग टूल के हिसाब से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से इस तरह से गद्दा दिया हुआ है और ये बना है प्योर शीशम वुड का। ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है और इसके अंदर हम रख सकते हैं 8 पेयर ऑफ शूज़। तो अभी रिसेंटली हम लोग ने एक्स्ट्रा शूज़ काफ़ी सारे ख़रीद लिए हैं, तो पुराने वाले में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से नया वाला लिया। तो एक नया फर्नीचर भी ऐड हो गया और बहुत ही स्टर्डी और अच्छे क्वालिटी का है। और वैसे भी मुझे शीशम वुड के ही फर्नीचर अच्छे लगते हैं। और इसी बीच आ गया है ब्लिंकिट से कुछ ग्रोसरीज़ जो कि मैंने ऑर्डर किया था। और इस बार ब्लिंकिट ने प्लास्टिक बैग में नहीं देके दिया है, इस येल्लो कलर के एक कॉटन बैग में। और इवनिंग का टाइम है तो थोड़ा चाय पीना तो बनता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 6 गणपति फेस्टिवल का और मैंने सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम करूँगी और वो भी इतना दिन तक कर पाऊँगी। आई डिडेंट इमेजिन कि मैं फुल 10 डेज रख पाऊँगी, बट आई नो अगर आप इस तरह से ना गणपति का अगर आप तीनों टाइम सेवा कर रहे हो और साथ में बाकी जो भी आपके घर के काम, खुद के काम, ये सारे लेके अगर आप चलो तो उतना टाइम नहीं मिलता कि आप रेगुलर वीडियोस बनाओ। और वैसे भी मैं उतना रेगुलर वीडियोस, मतलब डेली वीडियोस नहीं डालती हूँ, 3-4 दिन बाद बाद आजकल मैंने प्लान किया कि एक वीडियो डालूंगी। कोशिश करूंगी अगर रेगुलर हो पाऊँ, बट अगर नहीं हो पाती हूँ तो एटलीस्ट 3-4 डेज में तो एक आएगा। तो गणपति को बिल्कुल अपने घर के मेम्बर के ऐसे ट्रीट कर रही हूँ, मतलब जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं उस तरह से उनको भी सेम वही दे जो हम लोग खा रहे हैं। जो भी खुद खाओ पहले भगवान को दो और फिर खुद लो। तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग 3 लोग नहीं है, फैमिली भी 4 लोग है। करते हैं आज का व्लॉग शुरू और उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ अपना आउटफिट। क्योंकि तो आज मन था कि थोड़ा इलेबोरेट डिनर दू, तो पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रेपरेशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने कच्चे केले का टिक्की बना रही हूँ। तो इसके लिए कच्चा केला को मैंने आलू के साथ बॉईल किया था और उसमें मैंने ऐड कर दिया था अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हल्दी, जीरा एंड बेसन। और फिर उसको मैंने ऐसे टिक्की बना लिया है, इसको बस फ्राई करूंगी और साथ में बनाऊंगी दही बड़ा। तो उसके लिए 3/4 मैंने लिया था उड़द की दाल और 1/4 लिया था मूंग की दाल। और उसको भिगो के मैंने पेस्ट बना लिया। अभी तक और कुछ नहीं ऐड किया है, अब जाके ऐड करूंगी। और इसके लिए मैंने हरी चटनी ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है और इमली की चटनी भी है मेरे पास। और दही को मैंने थोड़ा सा पानी के साथ फेंट लिया है क्योंकि मैं बनाती हूँ छोटे छोटे वाले बड़े पनियारम पैन में, जिसमें छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं कोफ्ते में, उसमें फ्राई करती हूँ। दही बड़ा में जनरली हम लोग पानी में डिप करते हैं, गर्म पानी में, बट मैं उसमें डिप नहीं करके डायरेक्टली इसमें डाल दूंगी क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी हाफ कर्ड और हाफ पानी को विप किया हुआ है बड़े के मिक्स में भी। और इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ दोनों में। कर रही हूँ थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। और बड़ा के बैटर में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन। तो अभी सबसे पहले मैंने अप्पम पैन में भी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है और फ्राइंग पैन में भी। और फ्राइंग पैन में तेल गरम होते ही मैं जो कच्चे केले के टिक्कीज़ है उनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करूँगी मैं लो टू मीडियम फ्लेम में। और साथ ही मैं अप्पे पैन में भी मैं ये वड़े का बैटर ऐड कर रही हूँ और उसको कवर करके पहले 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी लो टू मीडियम फ्लेम में। और उसके बाद वड़े को साइड टर्न करके एक और बार दूसरी तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी अराउंड 2 to 3 मिनट्स।
कुकिंग हो गया है कंप्लीट, बट ड्राइंग रूम में ना मंडप लगाने से एक मुझे प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो ये है कि दिया या फिर आरती ये सब थोड़ा जलाना मुश्किल होता है, क्योंकि अभी भी नोएडा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिडिटी, तो जिस वजह से विदाउट फैन एंड एसी रहना ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं, तो हार्डली 5 मिनट के लिए आप जला सकते हो दिया, अदरवाइज मुश्किल होता है। मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, दोनों टाइम मैं हमेशा अगरबत्ती जला रही हूँ और थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल दिया भी इसलिए लगा के रख रही हूँ। और जब आफ्टरनून में या फिर इवनिंग के ऐसा टाइम है जब हम लोग कोई इस रूम में नहीं रहते, तब मैं दिया जला के रख रही हूँ, तो इस तरह से थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ रहा है। अदरवाइज मुझे ये एरिया ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। और मैंने अभी फ़ैन बंद किया है, हार्डली 30 सेकेंड्स हुए बट ऑलरेडी स्वेटिंग फटाफट स्टार्ट हो गया, जबकि वहाँ ऊपर फ़ैन चल रहा है। इस तरह से ये बैटरी ऑपरेटेड दिया को मैं हमेशा लगा के रखती हूँ। और आज सुबह ही सारे जो सुबह नहीं, इनफैक्ट योगा जाने से पहले सारे मैंने जो फ्रेश फ्लावर्स हैं उनको निकाल दिया है, तो कल सुबह फिर से फ्रेश फ्लावर्स आएंगे। मैं सोच रही हूँ आफ्टर जब ये गणपति फेस्टिवल जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसको यहीं पे रखूँगी, बट सामने एक उर्ली या फिर ऐसा कोई ब्रास के बोल में थोड़ा सा पानी में फ्लावर्स डाल के रखेंगे तो आई गेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरा भोग बिल्कुल बनके तैयार हो गया, तब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है राइस, राइस के ऊपर डाल रही हूँ चने का दाल, और उसके बाद यहाँ पे एक और कटोरी में ऐड कर रही हूँ कच्चे केले की टिक्की, और अभी टाइम है दही वड़ा को प्लेटिंग करने का, तो वड़ा मेरा अच्छे से सोक हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं दही के साथ उसको पहले कटोरी में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं स्प्रेड कर रही हूँ हरी चटनी, और साथ में इमली का चटनी भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। वैसे हम सेव वगैरह भी डाल सकते हैं बट इस वक्त मेरे घर में नहीं था और मैं चाह भी नहीं रही थी कि मार्केट से कुछ बना हुआ भोग में भगवान को चढ़ाऊं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर से अनारदाना स्प्रिंकल कर दिया है। और अभी मैं जो मैंने केसर खीर बनाया था उसको भी कटोरी में डाल दिया है और साथ में दे दिया है एक गिलास पानी। तो इस तरह से मेरा भोग का थाली अब बिल्कुल हो गया है रेडी, और जुम्बा जाने से पहले ही मैं सारा भोग भी चढ़ा दूंगी भगवान को और इवनिंग का जो पूजा है वो भी कर लूंगी। यहाँ पे मैंने पूजा भी कर लिया और उसके बाद मैंने भोग भी भगवान को निवेदन कर दिया है, और इसके बाद मैं जल्दी से तैयार होकर चली जा रही हूँ जुम्बा, तो इसी के साथ करूँगी आज का व्लॉग एंड। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलूँगी मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू सून।